हाय फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम अपने मोबाइल को मिनी कंप्यूटर कैसे बनाएंगे। तो देखिए, हमारे मोबाइल फ़ोन में विंडोज 7 चल रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर विंडोज 7 चल रहा है। तो देखिए, इसको हम कैसे अपने मोबाइल को कंप्यूटर बनाएंगे। देखिए, हमारे पास कीबोर्ड भी कनेक्टेड है, माउस भी हमारे पास ऑलरेडी है। देखिए, हम इस माउस को हिला रहे हैं। देखिए, माउस भी चल रहा है, हमारा कंप्यूटर भी खुल रहा है। देखिए, स्टार्ट बटन है हमारा। तो कैसे हम अपने माउस से, देखिए, अपने मोबाइल को कंप्यूटर कैसे हम बनाते हैं। देखिए, कीबोर्ड भी हम कनेक्ट किए हुए हैं। तो इसके लिए आपको चाहिए एक माउस। नॉर्मली 100 रुपये का माउस खरीद लेंगे, लगभग 200 रुपये का कीबोर्ड, 200 का कीबोर्ड आप ले लेंगे। आपके पास एक OTG होना चाहिए। तो देखिए, आप OTG हमारे पास सिंगल वाला है, आप चाहें तो डबल वाला लेके एक ही साथ कीबोर्ड और माउस दोनों का आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए, हम सिंगल ही वाला है फिलहाल हमारे पास, आप दो वाला लेके कर सकते हैं, या आप USB हब लगा सकते हैं। देखिए, या आप इस तरह का ले सकते हैं USB वाला कनेक्टर, एक से आप 4 गो 5 गो एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं। देखिए, हमने एक साथ कनेक्ट किया हुआ है, 4 गो आप इसमें लगा सकते हैं। तो देखिए, हमारा कीबोर्ड भी कनेक्ट है। अब देखिए, हम इसको खोल रहे हैं, ये देखिए खुल गया। अब आप इसमें कुछ सर्च भी कर सकते हैं। देखिए, कुछ भी सर्च करना है, देखिए हम जो भी सर्च कर रहे हैं हमारा सर्च हो रहा है। देखिए, इस तरह से हम कैसे बनाते हैं। तो देखिए, बहुत ध्यान से आप वीडियो को देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे। तो देखिए, अगर आप भी चाहते हैं कि हम अपने मोबाइल को कंप्यूटर के जैसे चलाएँ, देखिए कंप्यूटर के जैसे पूरा हमारे पास खुला हुआ है। देखिए, हम अपने मोबाइल को कंप्यूटर बनाए हुए हैं। तो देखिए, इसके लिए हमको क्या करना होगा, कैसे हम अपने मोबाइल को विंडोज 7, विंडो 10, विंडो 98, तो देखिए कैसे हम इसको बनाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, हम अपने मोबाइल के होम स्क्रीन पर आ जाते हैं। इसके बाद से देखिए, आपको अपना प्ले स्टोर ओपन करना है। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद आपको सर्च करना है विंडोज 7 सिमुलेटर। देखिए, विंडो सिमुलेटर है यहाँ पर, इधर सर्च करके बता देते हैं, विंडो सिमुलेटर। अब आपको विंडो 10 चाहिए, 7 चाहिए, 11 चाहिए, 98 चाहिए। तो जनरली चलिए हम विंडो 7 आपको दिखाते हैं करके। तो विंडो 7 हम ओपन करते हैं यहाँ से। उसके बाद से देखिए, इसको आप यहाँ से इंस्टॉल कर लीजिएगा, लेकिन हम ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है हमारे फ़ोन में, तो हम समय को बचाने के लिए आपको बता रहे हैं। तो देखिए, इसके बाद से हम इसको प्ले करते हैं यहाँ से। देखिए किस तरह से प्ले हो रहा है। बहुत ही आसान है, यहाँ से इसको आप लॉगिन कर लीजिए। देख सकते हैं यहाँ पर हमारे बैटरी दिखा रहा है, नेटवर्क दिखा रहा है, कनेक्टेड है, टाइम दिखा रहा है, डेट दिखा रहा है। और देखिए यहाँ पर स्टार्ट बटन है, स्टार्ट बटन देखिए, यहाँ पर स्टार्ट पे हम क्लिक किए। देखिए, माउस को हम कहीं भी लेके जा सकते हैं, अपने जहाँ मर्जी वहाँ लेके जाइए, आप अपने माउस को लेके जा सकते हैं। अब देखिए, यहाँ से आप कंप्यूटर अपना खोल सकते हैं, यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं, यहाँ से इसको आप कैंसिल कर दीजिए माउस से। और देखिए, आप चाहें तो रिसाइकल बिन है, देखिए रिसाइकल बिन भी है। आइए, आपको गूगल क्रोम है, कैमरा है, कैलकुलेटर है। तो देखिए, इसमें कई सारा एप्लीकेशन ऐसा है जो आपके पास नहीं है। तो देखिए, गूगल क्रोम में हम ओपन करते हैं, आप यहाँ से MS वर्ड कैसे ओपन कर लेंगे, ऑनलाइन आप चला सकते हैं। देखिए, कोई भी यूट्यूबर अगर आपको ऐसा बताता है कि आप इसमें MS वर्ड चला सकते हैं, तो ऐसा नहीं। देखिए, सिमुलेटर है, सिमिलर है, उससे मिलता जुलता है, ठीक है। कई सारे यूट्यूबर इसमें आपको बोलते हैं कि आप इसमें MS वर्ड चला सकते हैं, प्ले स्टोर चला सकते हैं, तो चलाने के लिए चला सकते हैं आप। ऑनलाइन इसमें सर्च करके आप जो भी चलाना चाहें आप ऑनलाइन इसमें चला सकते हैं। तो इस तरह से हम अपने मोबाइल को लैपटॉप बनाएंगे। देखिए कैसे हम चला रहे हैं इसमें, या वर्ड आपको चलाना है, देखिए सर्च करते हैं हम। ये व्हाट्सएप आपको चलाना, देखिए व्हाट्सएप,
व्हाट्सएप ऐप आप इसमें चला सकते हैं जैसे आप कंप्यूटर में चलाते हैं, सेम टू सेम। देखिए देखिए, लेकिन इसमें कुड नॉट रिक्वेस्ट आ रहा है ना, तो वर्ड चलाइए, वर्ड भी आप सर्च कर सकते हैं, आपको इसमें जो चलाना है आप उसको चला सकते हैं। तो इस तरह से हम अपने कंप्यूटर को लैपटॉप बनाएंगे। यहाँ से आप इसमें माउस भी कनेक्ट कर सकते हैं, माउस कैसे कनेक्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ से देखिए कैलकुलेटर खुल रहा है, जैसे आप कंप्यूटर में खोलते हैं वैसे इसमें खुलेगा, क्रोम है, कैलकुलेटर है। तो इस तरह से हम कंप्यूटर को, मोबाइल को अपने लैपटॉप या कंप्यूटर बना सकते हैं।